गाइस, वी आर ऑन रेलवे स्टेशन अगेन एंड दिस इज ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड दिस इज दीपिका, शानू, अनीता एंड द न्यू वन अखिल ऐसे तान सिंह है ये मेरी रानिया। तो हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? कसौली जा रहे हैं पहले जाके अच्छा एक्सपीरियंस जिंदगी में पहली बार एक ही जगह गई कसौली, जिसमें दूसरी बार बोली कसौली ऐसा कसौली वैसा, तो देख लेते हैं फिर कसौली है कैसा। कसौली है बहुत ही अच्छा, जाइए और घूम के आइए। इसने वहाँ की मेंबरशिप ले रही है ना, वहाँ पे मुझे ना एक्स्ट्रा पैसे देते हैं कि भाई लाओ कसौली कराओ। बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही है, इसका बर्थडे है। देखो इसने बाल नहीं करवा लिए सीधे। दीपिका खिड़की हो रही है पानी भर के लिए आते हैं। कैसे लग रहा है? अभी सी लग रही है। देखिए हमारी पानी की बॉटल खत्म हो चुकी है, हमें भरना है। चलो भाई, फाइनली हमारी ट्रेन आ रही है। अभी देखो आप कितने 10:41 हो रहे हैं, 22:41 आपको टाइम दिख रहा होगा, और ये हमारी ट्रेन आ रही है। हमारी ट्रेन आनी थी 9:10 पे और बजा दे पौने 11:30 बजा दे भाई साहब। और यहाँ पे जो सीन हुए है, हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे सबके सब, गर्मी में पागल हो रहे हैं। फाइनली ट्रेन आ रही है, आ जा और हमारी प्यास बुझा दे। कैसा लग रहा ट्रेन आ रही है? देखते हैं हमारी ट्रेन है ना। चलो ट्रेन आ गई, 1 2 3 1 1 आ गई। चलो हम चढ़ते हैं अपने अपने डब्बे पे। गुड मॉर्निंग, हम पहुंच गए हैं कालका। देखिए 4:30 पे उतारे, 4:33 कालका उतर गए हम। ये सब उतर गए हैं, 3 बजे उतरना था हम, 4:30 बजे, 1.5 घंटे लेट हमारी। यस बस का हिसाब देखते हैं, ठीक है बड़े कर। चलिए हाँ जी, इसको भी देख लो भाई, देखो ये नीचे से ऊपर देख लो उसको। चलिए अब हम चलते हैं कसौली, जो अनिता घूमे बस एक बार ही। ये भाई कालका रेलवे स्टेशन, बहुत ही प्यारा लग रहा है, लाइट से सजाया हुआ है। हमारे आगे चले गए लोग, हम जा रहे हैं बस स्टैंड, जो रेलवे स्टेशन जो तक थी वहाँ आगे बताया, देखते आगे क्या होता है। प्यारा सा चांद स्टार, दिस लवली वेदर विद द कालका रेलवे स्टेशन। देखिए हम कालका उतर गए हैं, उसके आगे निकल लिए बस से, और ये है हमारे रास्ते के नज़ारे जो है बहुत ही प्यारे प्यारे। देखिए आप इसके पीछे से सनरेज आ रही है और भैया बुला रहे हैं। वो हमने सरकारी बस करी है, हमने 55 रुपीज़ की सरकारी बस करी है, जो कि हमें पड़ी है कालका टू धर्मपुर 55 रुपीज़। किसी सरकारी बस एंड बहुत सारा चुप्पा। हेलो गाइस, हम लोग फाइनली आ गए हैं कसौली और यहाँ हो रही है प्यारी प्यारी सी ठंड। वेदर अच्छा है, नया सोई नहीं रात भर, थोड़ा डाउन है, लेकिन हम अब होटल देखते हैं अच्छा सा, फिर रेस्ट वेस्ट करके तैयार होते हैं, फिर देखते हैं आसपास की प्लेसेस। बट वेदर इज़ रियली नाइस, जुलाई के मंथ में कसौली इज़ नाइस ऑप्शन। और हम आए थे यहाँ पर बस से, पहले हम कालका से धर्मपुर गए थे, वो भी हमने प्राइवेट बस की थी, उसके बाद धर्मपुर से हमने कसौली के लिए बस की, तो 80 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा हमारा कालका से कसौली, क्योंकि हमारे ट्रिप्स होते हैं बजट ट्रिप्स। और आप यहाँ की खूबसूरती देखिए। चलो उधर ही ये देखिए गाइस, यहाँ की खूबसूरती रियली नाइस, प्यारी प्यारी सी ठंड और ये सुंदर सी जगह, क्यूट सी कसौली। लेट्स गो गाइस। गाइस देखिए, हमें हमारा रूम मिल गया है और वो भी बहुत रीजनेबल प्राइस में। मैं आपको पहले दिखाती हूँ
रूम है कैसा, आप ये देखिए इसका व्यू, ये देखिए व्यू है ना ब्यूटीफुल। ये है हमारा रूम। कैसा लगा रूम? Awesome। और ये वेदर और ये रूम और ये व्यू, इट्स अमेजिंग। मैं आपको अंदर से अपना रूम भी दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा रूम, एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड भी है, मतलब एक पूरी फैमिली के लिए है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे सिटिंग भी है, एक और बेड भी है, मतलब ये पूरा फैमिली रूम हमें मिल गया है, वो भी बहुत बजट में। गाइस आप यकीन नहीं करोगे, हमें ये पड़ा है, नहीं आप बताएंगे इस बार, 4,500 फॉर टू नाइट्स। रियली क्या बात कर रहे हो, 2,350 रुपीज फॉर वन नाइट, दैट्स रियली गुड। मतलब फैमिली के हिसाब से रियली गुड, इट्स बेस्ट। आप बाहर का व्यू देखो ना, बाहर का व्यू तो मैंने दिखा दिया, यही तो दिल्ली लेने वाला है। और मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन है तो जो कि यहाँ बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो गाइस हम नहा धो के तैयार होते हैं, फिर आपको मिलते हैं, बाय बाय। देखिए गाइस क्या वेदर हो रहा है, आप देखो बिल्कुल बादल बन के जा रहे हैं ऊपर, बादल हमारे ऊपर नीचे आ रहे हैं, ऊपर नीचे से ऊपर आए एक्चुअली। ये देखो लड़की कितनी अच्छी लग रही है, सब बन के तैयार हो गया। इन दोनों को देखो, वहाँ भाई इधर देखो, ये दोनों भी तैयार हो गए, बिल्कुल चमक मार रहे हैं, बिल्कुल कतई जहर। अरे 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 देखो, ये देखो ये देखो, बहुत ज्यादा गर्म आ रही थी। मौसम है सुहाना और हम हैं आए हैं कसौली में, और यहाँ का मौसम ऐसा हो गया, मतलब बादल ही बादल हो गया, वहां से बादल बनना शुरू हो रहे हैं और हमारे पास आ रहे, चल चल के चल चल के चल चल के। और ये लग रहा है ब्यूटीफुल वेदर, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, एवरीवन एक्साइटेड, बहुत प्यारे लग रहे सबके सब। हम भी थोड़ा सा नहा लिए धो लिए तैयार हो गए, और ये मौसम है सुहाना और दिल है दीवाना। आज हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? स्टिल सर्चिंग। नहीं अभी यहाँ पे ट्रैकिंग है, थोड़ा देखते हैं, थके हुए हैं, नियर बाय देखते हैं, ठीक है फाइन। सो गाइस हम जा रहे हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो यहाँ का फेमस चर्च है, हमारी लोकेशन से जस्ट 600 मीटर की दूरी पर है। लेट मी शो यू वे, ये है हमारी वे टू द चर्च। देखते हैं चर्च, इन्होंने भी मुझे रास्ते में मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया कि ये जो चर्च है, क्या बताया, इंग्लैंड का चर्च है। देख नहीं, सुंदर था, हमने बस स्टैंड की, जहाँ बस स्टैंड था ना हमारा, वहीं उसके जस्ट नियर बाय था, उसके सामने था। सो लेट्स सी देन, ब्यूटीफुल वेदर एंड ब्यूटीफुल नजारा। डू यू नो द टाइम इज 12 एंड वेदर देखो ब्यूटीफुल। यहाँ पे कसौली की हेरिटेज मार्केट है और ये ऑफिसर्स के एरिया है, मतलब ये जो एरिया है ना, ये लिए बहुत अच्छा है, जैसे दिल्ली का आपने सीपी देखा है, फुल माइंड ब्लोइंग, मजेदार लगता है, बिल्कुल वेल मेंटेन। तो ऐसा सोचो वही चीज़ पहाड़ों में मिल जाए हमें, कितना मजा आ जाएगा। सो इट्स लाइक दैट। तो ये जो है हमारे जो खड़े हैं, मेजर ध्यानचंद जी है ये खड़े हुए, बिल्कुल देखिए आप, ये सब बैठे हैं इधर। हाँ जी क्या खा रहे हो? हम खा रहे कैंडी, कैंडी सॉफ्ट कैंडी खा रहे हैं। और ये मेजर ध्यानचंद जी की से नीचे बैठे हैं, और यहाँ पे गोलगप्पे 10 रुपए के, 10 गोलगप्पे, मतलब एक गोलगप्पा 10 रुपए का दे रहे हैं यहाँ पे, 10 रुपए का। हम तो 10 के 3 खाते दिल्ली के अंदर, वो भी हमें ज्यादा लगता है। हम दिल्ली वाले हैं भाई, मम्मी है ना, नाइस प्लेस। देखिए कैंट बोर्ड जो कसौली का हमारी बस स्टैंड है ना, यहाँ पे आए थे, इस बस स्टैंड के ही जस्ट नियर बाय ये चर्च है, यहाँ का इंग्लैंड का क्राइस्ट चर्च कसौली, जिसे चर्च ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। देखिए आप कितना सुंदर है, मतलब अपने समय लग रहा है कि ये इंग्लैंड का चर्च है, लग ही नहीं रहा ये इंडिया में ऐसा चर्च है, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है।
लेट्स सी इनसाइड हाउ इट लुक्स। आसपास का नजारा बहुत सुंदर है, मौसम बहुत प्यारा है, चर्च तो अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है। और ये हमारे तानसेन जी परेशान रहते हैं हमेशा। हाँ जी, भेलपुरी खा लो गाइस। यस, भेलपुरी खा लो। इनको मिर्ची लग रही है, इसमें बहुत ज्यादा मिर्ची करवाई है मैंने, उन्होंने फीका बनवाया। ओके, मेरी सिस्टर है। ओके, चर्च कितना प्यारा लग रहा है, ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चर्च, ऑसम है, बहुत प्यारा। चलो देखते हैं अंदर, चर्च ऑफ इंग्लैंड, ब्यूटीफुल। चर्च है और यहीं से शुरू होता है सनसेट पॉइंट का रास्ता, तो हम जाएंगे एक दो पॉइंट्स के लिए, देखते कौन कौन से पॉइंट्स पड़ते थे, दो तीन पॉइंट्स बताया, लेट्स गो देन। दो तीन किलोमीटर का रास्ता है, बस ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेट्स ट्रैक देन, थोड़ा सा ट्रैकिंग। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली जो है वो यहाँ पे है ऊपर, जब आप ठीक है, ये ट्रैक चल रहा है पूरा, ये देखो ये ट्रैकिंग ना काफी अच्छी है इधर की, कैंट एरिया है, क्लीन नीट एंड क्लीन, मजेदार, लवली वेदर। देखिए आप, पूरा आर्मी एरिया है, कैंट एरिया है, बहुत सुंदर बना हुआ है। अब देखो पहाड़ों में सारी फैसिलिटीज दे रखी इनको, यार यहाँ पे आर्मी ज्वाइन करने को मिल रहा है तो लाइफ सेट है। जय जवान। गाइस किस तरह से, मतलब बादल ऐसा लग रहा है बिल्कुल पास आ गए हो, ये देखो आप पूरे भरपूर भरे हुए हैं, फुल ऑफ बादल हमसे मिलने आ रहे मौसम, सच्ची में लिटरली ऐसा लग रहा है बादल हमारे पास बिल्कुल आ गया है, हम बादलों पे है या फिर कह सकते हो तुम। ये देखो सब पागल हो रहे थे, ये तो पागल ही हो जाती है, खुद देखो यार बादलों के ऊपर फील आ रही है, वेरी नाइस सी लवली पागल। कैसा लग रहा है? Amazing. First time हमने ऐसा कुछ experience किया। It's... Guys, मजा आ रहा है, बहुत ठंडा भी लग रहा है। और यहाँ का व्यू दिखाइए थोड़ा, हमने दिखा दिया है व्यू, और हम यहाँ देखिए बैठे हैं, हमारे पैर भी दिखाइए, हम जिंदगी के गाइस, स्लो मोशन में बना से पैर। बादलों के बीच में हम तो धीरे धीरे चल पड़े, देखो कितना सुंदर नजारा है, धीरे से चलेंगे चलेंगे वो। देखो भाई सनसेट पॉइंट पहुंच चुके हैं हम,
लेकिन आई डोंट थिंक सो कि हमें सन सेट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सन तो है ही नहीं बालों में। वैसे मौसम पता क्या है, कभी एकदम से बिल्कुल घने बादल, कभी सन। तो आई विश की सन आ जाए थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए, ताकि हमें मिल जाए सनसेट। बारिश शुरू हो गई है, लेट्स गो। ये थोड़ा सा नजारा सनसेट का देखिए, यहाँ पे वॉशरूम भी बना हुआ है वैसे को। ये डॉगी है, दिखाओ दर, ये मजे लेते हुए अपने झूला झूलते हुए। नाइस, अभी तो खैर बादल बादल है। यू सी ब्यूटी, लुक डाउन एंड यू सी लिटर, व्हाट अ सीन। एक पल धूप, एक पल छाव, एक पल बादल, सनसेट का नजारा बारिश से भरा। देखिए भाई रात का नजारा, और टाइम हो रहा है इस समय तकरीबन 8:15 के करीब बज रहा है। ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द कसौली, ये देखो आप साफ नजारा। हैप्पी बर्थडे फड़फड़ी, और ये बैठी है फड़फड़ी हमारी, जो हमेशा ऐसे रहते है, बस हर काम ये हो जाए। थैंक यू फॉर दिस लवली सरप्राइज। जो कि इसको पता था, तुम्हें पता है ये केक जो है इसके सामने सेलेक्ट हुआ है, सब कुछ के बना है। खुद बोल गए मेरा केक लाओ केक लाओ केक लाओ। बताओ ये पहली ऐसी लड़की जो केक मंगा रही है अपना। चलो कुक मारो, एक मिनट। Happy birthday to you. क्या निकला दिया।